के पदाधिकारीगण की औपचारिक मुलाकात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से कराई गई है। परिचयात्मक कार्यक्रम के रूप में सभी का इंट्रोडक्शन हुआ है, कल सार्वजनिक घोषणा होगी। सार्वजनिक घोषणा के बाद जो सुनामी लखनऊ से चलेगी, उस सुनामी में भारतीय जनता पार्टी के परखचे उड़ जाएंगे। साथ ही साथ अब जो 2022 विधानसभा का चुनाव का बिगुल बज चुका है, 2017 के पहले जो इनका आंकड़ा था, हम उस आंकड़े तक ले जाएंगे। 45 विधायकों की संख्या भारतीय जनता पार्टी की थी 2017 के पहले, उसी 45 के आंकड़े पे ले जाकर के इनको खड़ा करेंगे। और स्वाभाविक रूप से तब इनको पता लगेगी कि इस देश में, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, गरीब, मजदूर, बेरोजगार नौजवान, किसान, छोटे लघु व्यापारी के खिलाफ जो उनकी शोषणकारी नीति रही है, लोगों का आक्रोश क्या होता है। और जिस तरीके से हिंदू की दुहाई दे करके अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़े वर्ग, किसानों, व्यापारियों, नौजवानों के हक पर डकैती डाली है, अजगर की तरह इनके संवैधानिक अधिकारों को निगलने का काम किया है, वो सब मिल करके इनको ऐसी पटकनी देंगे कि इनको छठी का दूध याद आएगा कि किसी के साथ धोखा करना, किसी की आग में धूल ढो करके वोट लेना, वोट